हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ ये कनेक्शन HDIV 300 को मैंने कैसे मेरे पीसी से, मेरा सेटअप बॉक्स जो मैं टाटा स्काई की यूज कर रहा हूँ, और मेरे टीवी से और अदर डिवाइस से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में कम्प्लीट इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे कई सारे फ्रेंड सब्सक्राइबर मेरे से इस कंसर्न में बात करी है कि वीडियो बनाइए, तो वीडियो उन्हीं के लिए है। और आशा करता हूँ इसमें सभी पॉइंट मैं कवर कर दूंगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आता हूँ मेरे सेटअप पे, मैंने मेरा सेटअप कैसे कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने मेरा सेटअप बॉक्स टाटा स्काई का, इसमें मेरे दोनों कनेक्शन अवेलेबल हैं, और इसमें HDMI का भी पोर्ट है और ARC का भी पोर्ट है, HDMI का पोर्ट है और डिजिटल ऑप्टिकल का भी पोर्ट है इसमें। और जो PC है, PC को मैंने ग्राफिक कार्ड के पोर्ट से कनेक्ट कर रखा है, उसमें भी HDMI पोर्ट है और TV में HDMI पोर्ट है ही। तो दोस्तों, सिंपली मैं आपको बता दूँ, अगर आपको TV से किसी से भी कनेक्ट करना है, तो जो भी आपकी वीडियो डिवाइस रहेगी, टीवी को हमेशा आप HDMI ARC से कनेक्ट करिए। अगर आपके पास टीवी में HDMI ARC पोर्ट नहीं है, तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आपको मेन यही करना है कि टीवी को HDMI ARC से कनेक्ट करना। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कि HDMI ARC को कैसे आप कनेक्ट करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ बैक साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी टीवी में ऑप्टिकल का भी पॉइंट है, पर मैं इसको HDMI ARC से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे इसको। और इसमें यहाँ साइड में देख पा रहे हो कि इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक का भी है इसमें, तो मैंने HDMI से यूज करा इसको। और दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, कि लोगों ने मेरे से पूछा था कि HDMI बढ़िया है ऑप्शन है ऑडियो ट्रांसफ़र के लिए, या ऑप्टिकल फाइबर से आप अच्छे से ऑडियो ट्रांसमिट करते हो। तो मैं दोस्तों बता दूँ, दोनों से सेम ऑडियो ट्रांसमिट जो रेट होता है वो सेम है, दोनों में सेम क्वालिटी आपको मिलने वाली है। बस HDMI बेटर इसलिए है क्योंकि ऑडियो, उसमें ऑडियो के साथ वीडियो भी आपका रिटर्न करता है, मतलब दोनों आउटपुट एक साथ एक केबल से आपको मिल जाते हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में केवल आपको ऑडियो का ट्रांसमिशन ही मिलता है। तो दोनों काम इससे नहीं हो पाएंगे, इससे केवल ऑडियो को आप ट्रांसमिट कर सकते हो, जबकि HDMI ARC से ऑडियो और वीडियो दोनों आप ट्रांसमिट कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम ऑडियो रिटर्न चैनल करके ARC का फुल फॉर्म होता है। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको पीछे दिखाया मेरी HDMI TV कनेक्ट है, और वो एक कनेक्शन उसको मैंने दे रखा मेरा होम थिएटर के पास। मैं जाता हूँ, ये रहा इसका एम्पलीफायर, इसकी बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गया हूँ मैं पीछे। ये दोस्तों जो ARC का केबल आपको दिख रहा है, दिस वन, ये मैंने TV से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको TV से कनेक्ट कर दूंगा, ARC का मीन्स यही है कि ये क्या करेगा कि आप कोई भी कंटेंट TV पे प्ले करो, चाहे वो बाय USB हो या डायरेक्ट इंटरनेट से YouTube पे कोई भी कंटेंट प्ले करोगे, तो वो डायरेक्ट वहाँ से रिटर्न में होम थिएटर के पास जाएगा, मतलब आपके होम थिएटर से आवाज़ आएगी, सीधी बात ये है। उसके बाद अगर कोई भी कंटेंट आप इस आपके इसमें से आप एम्पलीफायर से प्ले करोगे, इसमें USB का पोर्ट दिया गया, अगर उससे कनेक्ट करके प्ले करोगे, तब भी वो ऑडियो तो इससे ऑब्वियसली बात इससे आएगी। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको सेटअप बॉक्स कैसे कनेक्ट करना है, और PC या और कोई डिवाइस आपको गेमिंग आपके पास PlayStation यूज कर रहे हो, तो उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो हाँ फ्रेंड्स, दो HDMI आप देख पा रहे हो, एक ये HDMI, एक ये HDMI, HDMI 1 एंड 2 में ये मैंने कनेक्ट कर रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो HDMI 1 है वो मेरे सेटअप बॉक्स से आई हुई है, और HDMI 2 है वो मैंने PC से कनेक्ट कर रखी है। अब मैं कोई भी कंटेंट PC में प्ले करूं, या सेटअप बॉक्स से जो प्ले होता है, जो भी कंटेंट उसमें आ रहा है, वो टोटल एम्पलीफाई होकर आपको होम थिएटर से आवाज़ आपको मिलेगी। और कोई भी कंटेंट मैं TV पे प्ले करता हूँ, तो HDMI ARC की वजह से वो इसका ऑडियो भी यही एम्पलीफाई करके देगा, होम थिएटर ही मेरा एम्पलीफाई करके देगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कनेक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़रूरी नहीं है TV में आपका HDMI पोर्ट हो या नहीं, या जो सेटअप बॉक्स आप यूज कर रहे हो उसमें HDMI का पोर्ट अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मान लीजिए आपके सेटअप बॉक्स में HDMI का पोर्ट नहीं है, ना ही उसमें डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर उसका केबल ऑप्शन अवेलेबल है, तब आपको करना क्या है। मान लीजिए आपको उसमें फिर भी आपको चाहिए कि आपके होम थिएटर सेवा आ जाए, तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ एक फंडा। आपको करना ये है, आपको आपका जो सेटअप बॉक्स रह दिया गया, मैं TV पीछे दिखा दूँ। यहाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि जो येलो वाला पोर्ट है ना, इसमें आपको लगा देना है केवल एक ही केबल, और बाकी कोई भी केबल आपको कनेक्ट नहीं करनी है इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कनेक्ट होने के बाद जो येलो वाला मैं दिखा रहा था, आपको यहाँ कनेक्ट कर देना, और TV के येलो वाले में कनेक्ट कर देना है। जो येलो वाला पोर्ट रहता है वो वीडियो, जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो लिखा भी है, तो वीडियो के लिए रहता है, और बाकी रेड एंड वाइट जो आपको दिख रहे हैं वो ऑडियो लेफ्ट एंड राइट के चैनल हैं। आपको इसमें क्या करना है, ये दोनों में जो ऑडियो
वीडियो केबल होती है उसको कनेक्ट करके आपको होम थिएटर में कनेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप होम थिएटर में इसको कनेक्ट करोगे, ये देख पा रहे हो दोस्तों, केबल रेड एंड वाइट में आपको कनेक्ट करना है। उससे क्या रहेगा, जो भी आप कंटेंट इस पर प्ले करोगे सेटअप बॉक्स पे, चाहे आपका DTH हो, चाहे आपका एयरटेल हो, कोई सा भी डिश टीवी आप यूज कर रहे हो, उसकी ऑडियो एम्पलीफाई होकर होम थिएटर से आपको पाँचों स्पीकर में जो भी आप मॉड यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपको ऑडियो इसमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स था इसके कनेक्शन। तो अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके में यही चीज़, जैसे इसमें एक पोर्ट और दे रखा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा टाटा स्काई का है। इसमें देखिए दोस्तों, एक ये ऑप्टिकल का भी केबल दे रखा है, डिजिटल ऑप्टिकल केबल, तो SPDIF इसको शायद बोलते हैं। तो इसको अगर आप मान लीजिए कनेक्ट करोगे, तो जो इसमें केबल कनेक्ट करने के बाद, उसके बाद मैं इसके पीछे इसको कनेक्ट कर दूंगा मेरे सेटअप, ये होम थिएटर के पीछे, तब भी क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें भी देखो, देखिए दोस्तों एक पोर्ट बना हुआ है साइड में, मैं थोड़ा कंजेस्टेड दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये पोर्ट ऊपर की ओर दिख रहा है आपको। जब इससे आप कनेक्ट कर दोगे तब भी आपकी ऑडियो एम्पलीफाई होने लगेगी। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये यहाँ मैंने आपको बताया जो ये आप रेड एंड वाइट से कनेक्ट करोगे, जो ऑडियो वीडियो केबल होती है अगर उससे कनेक्ट करोगे, तो उससे ऑडियो ट्रांसमिशन थोड़ा अच्छा नहीं होता है और आपको जो आवाज़ चाहिए वैसी साउंड क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। तो कोशिश ये करिए, आप नया सेटअप आप अगर करने वाले हो तो ऐसा कोई, या आप कोई भी कनेक्शन ले रहे हो डिश टीवी का या टाटा स्काई का, तो सेटअप बॉक्स ऐसा बाय करिए जिसमें HDMI के पोर्ट अवेलेबल हो, क्योंकि HDMI से बहुत अच्छा डाटा ऑडियो वीडियो का आपको इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये थे दोस्तों कनेक्शन, इसके मैंने बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने, मेरे को लग रहा है मैंने ऑल पॉइंट इसमें कवर कर दिए हैं, इस वीडियो में कनेक्शन के वीडियो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही है तो मेरे से कमेंट करिए, मैं उसको उसमें मेरा नंबर ही व्हाट्सएप का मैं दे दूंगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा आपको पर्सनली। और आप कनेक्शन कोई भी आप सेटअप बॉक्स हो कनेक्ट कर पाओगे, TV कनेक्ट करनी हो, गेमिंग PC कनेक्ट करना हो, या लैपटॉप कनेक्ट करना हो, तो आप एवरीथिंग आप इससे कनेक्ट करवाओ, क्योंकि कनेक्टिविटी कई सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, वीडियो को यहीं एंड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।